तो हासिल करते के नजदीक नहीं लेके जाती। जो तालीम इंसान को अपने खालिक के करीब नहीं लेके जाती, इस दुनिया में शायद उसका फायदा हो ना हो, लेकिन आखिरत में वो बिल्कुल बेकार है। ये इल्म का कोई फायदा नहीं। मुसलमान का तीसरा ग्रोह है जो सिर्फ रब का नाम लेकिन अल्लाह के हिदायत पे अमल नहीं करते, अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते। हम मुसलमानों में से बहुत कम लोग हैं, अगर आप चौथा ग्रोह कहना चाहते कह सकते, लेकिन बहुत कम तादाद है। अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। पढ़ना जरूरी है, तालीम हासिल करना जरूरी है ही, आपको इंशाअल्लाह इसका सही फायदा एहसास होगा। हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस में इसका जिक्र आता है इब्ने माजा हदीस नंबर 224 में, अल्लाह के रसूल फरमाते तलबुल इल्मी इदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, करना या चाहे कि हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। अक्सर हम इंसान समझते हैं कि इल्म और तालीम सिर्फ स्कूल में हासिल की जा सकती है, कॉलेज में हासिल की जा सकती है या यूनिवर्सिटी में हासिल की जा सकती है, लेकिन इंसान का सबसे बेहतरीन दर्सगाह, सबसे बेहतरीन मदरसा है उसका अपना घर, और सबसे बेहतरीन मदरसा है उसकी वालदा, वालदा मदरसा है, सबसे बेहतरीन टीचर है। और वालदेन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सही तालीम दे। हम आज दुनिया में देखते हैं कि कई किस्म के माशरे हैं, कई किस्म के सोसाइटीज हैं। कुछ सोसाइटी इस्लामिक है, कुछ है सोसाइटी में मशरकी माशरे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया है और अपने एहसान इंसानियत पे कामिल किए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह 5 आयत नंबर 3 में कि इस दिन अल्लाह सुबहाना व ताला ने हम इंसानों के लिए उनका दीन मुकम्मल किया। दीन मुकम्मल होने के बाद कुछ भी नई चीज दीन में जोड़ी नहीं जा सकती, भी निकाल बेसिक कुछ भी नहीं सकता है। अल्लाह ने 1400 साल पहले हमारे दीन को मुकम्मल किया। अगर आप कोई भी माशरे में जी रहे हो, चाहे वो मगरबी हो चाहे मशरकी हो, अगर वो माशरे की बातें तहजीब अगर कुरान या हदीस के खिलाफ नहीं है, कुरान या हदीस से टकराती नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप उस पर अमल करते हो। लेकिन अगर उस माशरे की कोई भी बात कुरान और हदीस से टकराती है तो हम मुसलमानों के लिए उस पर हराम है। मगरबी तालीम, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इखलाकी बातें में हम नीचे जा रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में मगरबी ममालिक तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इखलाकी बातें में हम हक से दूर जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इस माशरे में शराब आम होती है, आम हो रही है, ड्रग्स आम हो रहे हैं,
फैयाशी आम हो रही है, बलात्कार आम हो रहे हैं, हम है कि उतना कर रहे हैं, अफसोस की बात है। हमारे अखलाक गिरते जा रहे हैं। इस्लाम लफ्ज सलाम से आता है जिसके मानिए अमन सलामती। इस्लाम लफ्ज आता है सिल्म से जिसके मानी है अपनी ख्वाहिशें अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकाम के मुताबिक बसर करना। इस्लाम के मानिए अमन हासिल करना, अपनी जिंदगी को अल्लाह के मुताबिक बसर। इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं अगर आप उन चीजों पे अमल करते हैं, लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने, हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बने, हमारे बच्चे जिना करने वाले बने, हमारे बच्चे बलात्कार करने वाले बने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब इंसान अल्लाह ये इंसान की फितरत है कि वो अल्लाह का कहना माने। उसके बाद बच्चे के वालदेन, बच्चे के बड़े, बच्चे के टीचर हो सकता है कि उस इंसान को बहकाए और वो आग को पूछने लगे, बुत परस्ती करने लगे और गलत राह पे जा सकते हैं। लेकिन असल में हर इंसान जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर इंसान जब पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। अरे तरबियत वालदेन के वजह से, बड़ों के वजह से, टीचर के वजह से वो भटक सकता है। इसीलिए जब भी कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, हम इंग्लिश में कहते कन्वर्ट या उर्दू में कहते नव मुस्लिम। ये नव मुस्लिम लफ्ज बिल्कुल गलत है। नव मुस्लिम या कन्वर्ट बोलना गलत है। सही लफ्ज अंग्रेजी में होगा रिवर्ट या उर्दू में मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम, लौटा हुआ मुस्लिम। क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम, फिर गैर मुस्लिम सही लफ्ज होना चाहिए या मुस्लिम। कन्वर्ट भी अंग्रेजी में गलत है। रिवर्ट मतलब वो गलत, वो पहले सही रास्ते पे था फिर गलत रास्ते पे चल पड़ा फिर वापस से ही सही रास्ते पे आया। इंग्लिश में कहेंगे रिवर्ट और उर्दू में, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। नव मुस्लिम ये लफ्ज गलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते जैसा मैंने कहा था सही हदीस में इब्ने माजा की हदीस नंबर 224 में, तलबुल इल्म तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, उसके लिए फर्ज है। और वालदेन का फर्ज है कि वो सही तालीम अपने बच्चों को दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं अक्सर सवाल करता हूं और आज मैं नाज़रीन से करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में क्या बने, क्या करे, इल्म हासिल करने के बाद क्या बने, क्या पढ़े, सही वक्त कब है? कब? स्कूल में डालने के वक्त,
कहते हैं कि जब स्कूल से फारिग होने के बाद मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा, क्या बड़ा बन के क्या बने, क्या डॉक्टर बने, क्या इंजीनियर बने। कुछ लोग कहते हैं कि दसवीं के एग्जाम के पहले, दो साल पहले मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगा, तो आठवीं से मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा। कुछ लोग कहते नहीं, तो बच्चा स्कूल में दाखिल करूंगा मैं, जब बच्चे के स्कूल के दाखिले के पहले मैं उसको एक अच्छी स्कूल में डालूंगा ताकि मैं उसे अच्छी तालीम दे सकूं। एक शख्स ने मुझे कहा सबसे बेहतरीन सवाल कि जब मेरा बच्चा पैस के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा। और मैं अक्सर ये तकरीर में कहता हूं कि इस्लामिक वक्त सोचने के बारे में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के सोचने के बाद अपना हम सफर चुनते हैं। जब आप अपना हम साथी चुनते हैं, जब आप अपनी अहलिया चुनते हैं या आप अपना शोहर चुनते हैं, ये सही वक्त है या कह सकते आखिरी वक्त अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का। क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो आपका बच्चा एक गायक बने, सिंगर बने, तो आप एक ऐसा हम सफर चुनेंगे जो गाना जानता है। हम सफर को चुनना बहुत अहम है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब आप अपना हम सफर चुनते हैं, अपनी अहलिया या अपना शोहर, तो इंसान चार चीजें देखता है, प्रति दौलत, तीसरा है अच्छे खानदान, अच्छा खानदान, और चौथा है नेकी, अच्छे अमाल। और अल्लाह के रसूल फरमाते कि सबसे बेहतरीन इन चारों में से है नेक अमाल। लेकिन सबसे बेहतरीन है नेक अमाल, अच्छे अमाल, दीनदारी। तो जब आप है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में प्लान करने का, इल्म हासिल करते हैं। इल्म दो किस्म की होती है, एक है दीनी इल्म और दूसरा है दुनियावी इल्म। हर वालदेन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे, अपने बच्चों को सिखाए। सबसे अव्वल जो दीन की बात है वो है तौहीद। हर वालदेन को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा तौहीद के बारे में। दूसरी बात है नमाज पढ़ना, तीसरी है ज़कात देना, चौथी है रोजा रखना, और पांचवी अगर हैसियत है तो हज करना। ये पांच अरकान है इस्लाम के। और इसके अलावा हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात अपने बच्चों को सिखाएं। जो सबसे बेहतरीन तोहफा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है कुरान। मुसलमान अपने बच्चों को सिखाते हैं अरबी पढ़ना ताकि वो कुरान मजीद की तिलावत कर सके। और 80% से ज्यादा मुसलमान गैर अरब है, अजम है, वो अरबी नहीं जानते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद खुसूसन हिंदुस्तान में, इस देश में, हम हमारे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना जरूर सिखाते हैं। अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे कुरान मजीद की तिलावत तो कर सकते हैं लेकिन उस कुरान मजीद से हिदायत नहीं पाते क्योंकि हम अरबी नहीं समझते। तिलावत करना अच्छी बात है, आपको सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन सवाब आप में लेके जा सकता है कुरान मजीद। अगर आप कुरान मजीद समझ नहीं सकेंगे तो आप अमल कैसा करेंगे? अफसोस की बात है कि हमारे वालदेन ने इसे अहम नहीं समझा
कि वो हमें अरबी जबान सिखाए, लेकिन आज हमें हमारे बच्चों